ये फिल्म नहीं कमा पाएगी 200 करोड़ भी। हाँ, मैंने लाल सिंह चड्ढा की भी प्रिडिक्शन करी थी, लेकिन चलिए अच्छा है मैं फेल हुआ। अजीब ईगो है, मतलब आपके पास ना तो स्टोरी है, ना आपके पास लॉजिक है, ना स्क्रीन प्ले आपका ढंग का है, और उसके बाद भी अकड़ ऐसी कि मतलब कब तक हाथ फैला के यार भीख, अरे नहीं ये वाला नहीं, शाहरुख खान वाला, भीख मांगने वाला नहीं, कब तक हाथ फैला के सिर्फ ऑडियंस को पागल बनाते रहेंगे, और फिर अकड़ ऐसी कि ऑडियंस को सबक सिखाएंगे। सिखाओ खमागणी, आप देख रहे हैं राजस्थानी रिएक्शन। आज रिएक्शन देंगे हम कार्तिकेय 2 के 100 करोड़ के बॉक्स ऑफिस पर। जहां दूसरी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राता फैला रही हैं, वहीं कार्तिकेय 2 ने फ्रूट रायता बना लिया और वो धड़ाधड़ बिक रहा है। क्या बात है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्तिकेय 2 का बॉक्स ऑफिस है सिर्फ 30 करोड़ का, सिर्फ 30 करोड़। यहां तो 30 करोड़ सुबह 4 बजे उठने वाला एक्टर ले जाता है, और मेहनत के नाम पर डब्बा गुल। कार्तिकेय 2 ने कोई भी अंग्रेजी फिल्म के राइट नहीं खरीदे, 8 साल नहीं लगाए स्क्रिप्ट लिखने में, बॉयकॉट बॉयकॉट नहीं चिल्लाया उसके हीरो हीरोइन ने, टेबल पे चप्पल पहन के पैर रख के ये नहीं कहा कि मुझे डर नहीं लगता, जिसको देखना होगा देखेगा वो फिल्म, और उसके बाद भी यहाँ सब फिल्म देख रहे हैं जबकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, पनीर पर GST है, सोचिए कुछ भी। अभी भी बॉलीवुड के पास समय है, बॉलीवुड को घमंड छोड़ के नेपो किड्स को किसी अच्छी सी ठीक ठाक सी BPO या कॉल सेंटर में नौकरी दिलवा देनी चाहिए, और अच्छे फिल्म मेकर्स को बढ़ावा देना चाहिए। और अगर आपको नेपो किड्स से फिल्में ही बनवानी है तो भैया बागी 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी चाहे बनवाओ, खूब स्टूडेंट ऑफ द ईयर निकालो। देखिए ये तो नहीं कह सकते कि बॉलीवुड डरा हुआ है, लेकिन हाँ गांठ जरूर फटी पड़ी है। अब सवाल ये भी तो है ना कि हिंदी फिल्म वाले ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते जिसमें सच्चाई दिखाए, कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2, अरे यार इसमें तो के फैक्टर है, लेकिन के फैक्टर वाली भी तो आजकल द खान्स एंड स्पेशली आमिर खान इज अ लेजेंड, कांट बाय बॉयकॉट हिम। अब सवाल फिर वही है कि हिंदी फिल्म वाले ऐसी फिल्म क्यों नहीं बनाते, तो क्यों बनाएंगे ऐसी फिल्म, फंडिंग जो कहीं और से मिल रही है तू समझा। हाँ। और वो जो बच जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका क्या अचार डालेंगे आप। मोनोपोली सोचिए कि पहले इन्होंने कश्मीर फाइल्स को दबाने की कोशिश करी, उसके बाद कार्तिकेय 2 जब हिंदी बेल्ट में रिलीज हुई तो सिर्फ 60 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई, और धीरे 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 जब मांग बढ़ती गई तो अभी ये शायद 1,000 या 1,500 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है, और सारे के सारे स्क्रीन्स हाउसफुल जा रहे हैं, तभी तो 100 करोड़ कमा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये तो अभी चंदू मोंडेटी ने बनाई है, अगर कोई हिंदी डायरेक्टर कार्तिकेय 2 को बनाता तो इस VFX के साथ में कम से कम 200 करोड़ का बजट होता, और इसी VFX के साथ में ये फिल्म बनी है सिर्फ 30 करोड़ में। ये तो हुई फिल्म वालों की बात, चलिए अब हिंदी मीडिया की बात करते हैं। हिंदी मीडिया अलग लेवल पे जाके खेल रहा है, वो पाताल से भी नीचे 10 फीट गड्ढा करके बैठा, और वहां पे अपनी सोच और अपना नैरेटिव, अपना प्रोपोगंडा उन्होंने छुपा रखा है। ये जो स्लाइड है यहां पर देखिए, ये है आज तक, ये है indiatoday.in का जिस दिन कार्तिकेय 2 रिलीज हुई थी। इन्होंने स्टार दिया है कार्तिकेय 2 को 5 में से सिर्फ 1.5, और इन्होंने जान करके अपने इस आर्टिकल में जान करके बार बार एक वर्ड का यूज किया है जो कि है माइथोलॉजी। अब देखिए आज तक .in का ये स्क्रीनशॉट जहां पे ये लिखते हैं कि हिंदी बेल्ट में कार्तिकेय 2 का बिजनेस बड़े स्टार्स के बिग बजट मूवीज को आईना दिखाने का काम करता है। फिल्म की कमाई से इशारा मिलता है कि कार्तिकेय 2 दर्शकों की नंबर 1 पसंद बन गई है। कार्तिकेय 2 ने सिर्फ हिंदी फिल्मों को नहीं, हिंदी मीडिया को भी आईना दिखाया है। कैसे सिर्फ 7 दिन में 14 दिन में आप लोगों का नैरेटिव बदल जाता है। इस वक्त बहुत जरूरी है ये सोचना कि कौन हमारी साइड है और कौन उस साइड है। जाने अनजाने दो साइड बन चुकी हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस तरह की फिल्में कभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बनाएगी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिएगा। और इस फिल्म को आपने अभी तक देखा है, नहीं देखा है, कैसी लगी ये फिल्म, अगर देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही बहुत सारी हिंदी रिव्यू रिएक्शंस के लिए, बातें करने के लिए हिंदी फिल्मों की, ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।